नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले एक सप्ताह से चले जो विवाद हैं, जो चीज़ें हैं, राज्यसभा को लेकर के हो या फिर नीतीश कुमार के पाला बदलने के लेकर के हो या फिर आरसीपी सिंह को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के हो, इन सारी बातों पर से पर्दा हट गया है। कल याद होगा आपको, हमने खबरों में बताया था कि जाएंगे तो आरसीपी। ये बातें सबसे पहले नाम नहीं बताने की शर्त पर जदयू की एक बड़े नेता ने हमें बताया था और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी ये बात आपके सामने क्लियर होकर के आ जाएगी। अंततः कई मीडिया चैनलों ने कल ये बात स्वीकार किया कि आरसीपी सिंह जाएंगे और इसकी चर्चा अब बंद होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार आखिर किस पर भरोसा करेंगे और किसे राज्यसभा भेजेंगे, ये बात अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और नीतीश कुमार का ये प्रेशर पॉलिटिक्स था। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो वर्तमान स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही थी, उस दबाव से बाहर निकलने का नीतीश कुमार के पास एक सिंपल सा रास्ता था कि वो इस मामले को थोड़ा लंबा खींच दें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगे कि बिहार से उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर ये दबाव भी बनाए जा रहे थे अलग अलग माध्यमों से कि वो अपना फैसला बदल लें, और अब बिना दबाव के नीतीश कुमार फैसला बदलने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि राजी तो वो पहले से थे, हमने खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार का फैसला हो चुका है, अब इसके लिए वो जितना भी समय ले लें या घोषणा करने में जितनी भी देरी कर लें, लेकिन आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजना ये तय मान के चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नहीं चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल में स्थिति है और जिस तरह से वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद से अलग तेजस्वी यादव से वो संबंध बनाए, उसका अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी पावर को लेकर के चीज़ें सामने आ रही हैं। लालू प्रसाद निश्चित रूप से चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ में दे दें, लेकिन दबाव इतना है कि वो पार्टी का कमान पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं तेजस्वी यादव को, और यही कारण है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती के बीच में कहीं ना कहीं वो पावर गेम आ जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 2024 तक हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अभी और बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि तैयारियों में कमी रह गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्ता में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ही 2024 और 25 की तैयारियां की जा सकती हैं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए अचानक से पार्टी के तरफ से और पार्टी के एक बड़े सेक्टर के तरफ से ये दबाव नीतीश कुमार पर रहा है कि वो जल्दी फैसला लें और अपना फैसला बदलें। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने दबाव के साथ या कहा जाए तो स्वेच्छा से भी जो फैसला लेने वाले थे उसे अब ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए समझौते के कारण भारतीय जनता पार्टी को एहसान के रूप में दे करके और अपने फैसले को बदलना चाहते हैं। अब इस बदले हुए फैसले में एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से बैक होकर के और नीतीश कुमार की बातों को मानने के लिए मजबूर होगी। इसमें सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार का जो तुरुप का पत्ता था, जो उन्होंने पासा फेंका था, वो सही जगह लगा और उसके नतीजे भी आपको आज से कल तक देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।